मंगलवार को पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के पदाधिकारी और कर्मचारियों ने दोपहर लंच के दौरान रेलवे प्रिंटिंग प्रेस बंद होने के विरोध में प्रदर्शन किया। इस अवसर पर भारी संख्या में पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के सदस्य और कर्मचारी उपस्थित रहे। पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ का कहना है कि रेलवे का यह प्रेस दिल्ली से लेकर गुवाहाटी के बीच का सबसे बड़ा प्रिंटिंग प्रेस है। इसके बंद होने से रेल का नुकसान होगा, कर्मचारियों का नुकसान होगा। यहाँ पर कई प्रकार के टिकट, पन्नों, पोस्टर, ट्रेवलिंग पास सहित अन्य कई तरह के छपाई का कार्य लगभग 500 कर्मचारी 1946 से छपाई का कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। इस बीच पीएमओ कार्यालय और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा आदेश आ गया है कि 1 अगस्त से रेलवे प्रेस को बंद कर दिया जाएगा। इसके संबंध में जरूरी कार्यवाही रेलवे महाप्रबंधक ने शुरू भी कर दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महामंत्री पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ विनोद कुमार राय ने कहा, भारतीय रेल के जरूरतों को पूरा करता था। क्या बताया, प्रेस की बंदी वापस लो, धोखेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जुमलेबाजी धोखेबाजी, वी आर गेस जिंदाबाद, 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 वी आर गेस जिंदाबाद, इमरान भैया जिंदाबाद, 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 विनोद राय जिंदाबाद, जिंदाबाद। 1974 में लेकिन यह घोषित अपराध है, इसलिए आपको लोकतंत्र को बचाने के लिए, सार्वजनिक उपक्रमों को बचाने के लिए आप सब लोगों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। एक मजबूत लड़ाई लड़नी होगी और रेलवे में, पूर्वोत्तर रेलवे में यह लड़ाई पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के लोग लड़ेंगे और आपकी ताकत। रेलवे प्रेस जो जुलाई में आदेश आ गया कि बंद करने के लिए, उसके विरोध में हम लोग अनवरत कार्यक्रम कर रहे हैं। पिछले हफ्ते भी कार्यक्रम हुआ था, आज भी हो रहा है और आगे भी होगा, क्योंकि पूर्वोत्तर रेलवे पर बिल्डिंग, प्रेस मशीन, इतनी ज़्यादा सब संख्या में सारा रेलवे का नुकसान होगा। हमारा पूर्वोत्तर रेलवे और इसी रेलवे, कई रेलवे की छपाई इस रेलवे पर होती है, इस प्रेस से, और छपाई को बंद करने में कर्मचारियों का नुकसान, रेल का नुकसान, ये धन का नुकसान होगा। इस नाते हम लोग आंदोलन चला रहे हैं कि इसको बंद न किया जाए, और अनवरत इसकी हम लोग आंदोलन करेंगे जब तक इसका वापस नहीं लिया जाता बंदी का। 1946 से रेलवे प्रेस था, पूरे इंडियन रेलवे पर 7 जोनों पर है, जो पूरे 17 जोन पर यह हमारे प्रेस का काम, रेलवे का छपाई का काम होता रहता था। आज बंदी का कोई उद्देश्य नहीं है, जानबूझ कर करके पूंजीपतियों के हाथ ये छपाई सौंपने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसको बंद करने से भारी नुकसान रेल का होगा, सरकार का होगा, कर्मचारियों का होगा। इस ना से इसको बंद न किया जाए। इस समय कुल 500 से अधिक संख्या में कर्मचारी हैं और वही 500 कर्मचारी पूरे 2 रेलवे का काम करते हैं, सारे छपाई का, टिकट का, टिकट का छपाई करते हैं, उसके पन्नों का छपाई करते हैं, सारे फार्मों का छपाई करते हैं, पास का, जो ट्रेवलिंग पास होता है कर्मचारियों का, उसकी छपाई करते हैं। अभी लाले पड़ जाएंगे, कर्मचारियों को पास मिलना बंद हो जाएगा, बाहर से छपाई करेंगे समय से मिल नहीं पाएगा। अभी भी ये परेशानी आना शुरू हो गया है कि जब ये बंदी का आदेश आया है तो। विनोद कुमार राय, महामंत्री पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ, वर्किंग कमेटी मेंबर, NFIR, नई दिल्ली।